दीदी भैया नमस्ते प्रणाम। नमस्ते दीदी भैया सबको नमस्ते, हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ, आरती जी के तरफ से भी हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां, और भाई बहन का यूं ही प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद भगवान का बना रहे। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, निरोगी रहें, और इसी कामना के साथ पुनः सभी दीदी भैया को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां। तो देखिए आज यही था हमारा वीडियो ब्लॉग, और सभी लोग हम लोग रक्षाबंधन पर्व मना लिए हैं। प्रज्ञा प्रेरणा अभिनव को राखी बांधी, और दो दीदियों ने एक ये साक्षी दीदी ने और ये दिव्या दीदी ने दो राखियां भेजी थी, तो उन्हें मैं भी बांध लिया हूं। तो चलिए वीडियो ब्लॉग में आगे देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे तो जरूर हो गया है, उस समय हम आप लोगों को हम पूरी तरह बता नहीं पाए थे, और डायरेक्ट सीधे हम राखी बंधवा लिए थे। कैसा बने थे चचा, बतासा ये बन थे कैसे किलो है? कैसे किलो बतासा? 120 खाली पर्व त्योहार में मिलवे करा है। कितना? आधा किलो। आप लड्डू 120 के? वही लड्डू है वही वाला लड्डू हाँ। अच्छा 100 वाला दे दियो। कितना? बाबा 100 वाला दे दिया। अब बता सा आधा किलो। नाना चाचा भाव से दे हती, ऐसा बात ना है, गरीब है, गरीब के दुख तकलीफ समझा है। जानो भूमोल तो होने ता कितना हो गली चाचा? कितना हो गलवा? आधा किलो यही है। 110 तीनों आपस में लड़ते हैं, आज पता नहीं क्यों नहीं लड़ेंगे। आज नहीं ना तुम लोग लड़ेगा बाबू? हाँ तीनों बहुत आपस में, बच्चों का यही तो होता है, भाई बहन का लड़ेंगे झगड़ेंगे, स्नेह प्यार दुलार आशीर्वाद यही सब है बच्चों का, शायद बचपना भी इसे ही कहते हैं। बाया दाहिना हाथ में, बाया हाथ फर्सी से निकाल दे दे। अब बारी आ गई अभिनव की। अभिनव काफी राखी बना के आज तो पूरा खुश नजर आ रहा है, लेकिन आज इसे पैसे भी देने पड़ेंगे। पैसा था ना तो खा गया। हाँ तो पड़ जाएगा। हाँ बहाने ना बांधो 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 चलो प्रज्ञा को कितना मिला? प्रेरणा को कितना दिया बाबू? 20 रुपया मिला। तो चलिए प्रज्ञा प्रेरणा की तो राखी हुई है पूरी, अभिनव राखी बांध चुका है, अब आई है मेरी बारी। हमारी तो आ गई है मेरी बारी, और प्रज्ञा प्रेरणा तो अपने भाई को राखी बांध चुके हैं अभिनव को, और मेरी बारी जो है राखी, ये रक्षा सूत्र सर्वप्रथम साक्षी दीदी की तरफ से, साक्षी दीदी भेजी हमें जो YouTube से जुड़ी हैं, बिल्कुल अपनी ही बहन के समान है, जैसे मेरी खुद की अपनी बहन वैसे साक्षी दीदी भी बहन ही है।
तो ये प्रथम रक्षा सूत्र साक्षी दीदी को, साक्षी दीदी की ओर से। बस बस दीदी से यही हम आज और ये हाँ, और ये जो दूसरा रक्षा सूत्र है ये दिव्या दीदी की ओर से ना जी, आरती जी। हाँ, ये दिव्या दीदी की ओर से जो कानपुर में रहती हैं। ये दीदी भी हमारी यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ी हैं। बस अभी दीदी भैया का यूं ही स्नेह आशीर्वाद बना रहे। बस आप लोग यही प्रार्थना कीजिएगा कि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और दीर्घायु रहें। और ये जो मिठाई है ये तो उनका हो गया, दिव्या दीदी का, एक साक्षी दीदी की तरफ से। पूरा खाइए, आधा खाएंगे। मिठाई उतना खाते नहीं ना हम तो एक तरह पूरा खाइए। और सभी दीदियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। बस यूं ही अपना प्यार दुलार स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिएगा और उन सभी दीदियों के भाइयों के लिए भी शुभकामनाएं हैं कि सभी के दीदी भैया जितने भी हैं स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, हंसते खेलते रहें, प्रसन्न रहें। बस यही प्रभु से, ईश्वर से हमारी कामना है, प्रार्थना है। तो चलिए, और ये रहा आज का हमारा ये रक्षाबंधन का अति महत्वपूर्ण पर्व, जो कि भाई बहन के स्नेह दुलार प्यार का आशीर्वाद प्रतीकात्मक रूप से मनाया जाता है आदि अनादि काल से। तो बस वीडियो ब्लॉग के आखिर अंत तक बने रहिएगा। और देखिए शाम को क्या बनाइएगा जी? वर्षा भी हो ही रही है, अभी डेढ़ घंटा हो गया वर्षा होते हैं। देखिए अभी वर्षा इधर भी, अभी तुरंत वर्षा हो रही है, पूरा पूरा पानी पानी काफी कम। हाँ, पिछले दो दिनों से हमारे राज्य में रुक रुक के तेज वर्षा हो रही है काफी। अभी तो डेढ़ घंटा से लगभग बरस रहा था, दो घंटा अभी थोड़ा सा कम हुआ है और पूरे घर में बारिश हो गई थी। सब देखिए, हाँ, सब साफ करना पड़ेगा। बकरी वगैरह भी बारिश से भीग उग रही थी तो इधर भी किनारे अपना बैठी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बाबू। मिठाई खिला दो इनके, भी टीका कर दिए। मिठाई खिलाएंगे तो सबको खिला दो, सबको खिला दो। जो खाएगी प्रेरणा, चाहे वो अपना हिस्सा में से दे ही देगी, चाहे वो मिठाई रहे, चाहे फिर कोई भी बिस्किट रहे, चाहे रोटी रहे, आधा रोटी में से आधा रोटी दे देगी प्रज्ञा। तभी ना इतना बेचते समय रोती है। आज पूजा के लिए आज गए थे तो पूजा पाठ के लिए कुछ लाए थे, तो आरती जी पूजा वगैरह कर ली थी और बारिश था का मौसम था तो हम तो उसका वीडियो ब्लॉग उसमें शामिल नहीं है क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही थी उस समय। तो पूजा पाठ की सामग्री यही केला लिए, नारियल लिए और इसमें बताशा लिए जो कि ये चढ़ता है मंदिर भोले बाबा के मंदिर में। और कहाँ चढ़ता है और जी? घर तक चढ़ता है और देवी माँ के मंदिर में भी चढ़ता है, सारे जगह पर चढ़ता है जहाँ। तो ये वही बताशा जो कि हम बाजार से लिए थे, जो एक अंकल जी जो बना रहे थे वही बताशा लिए हम आधा किलो, और केला लिए और नारियल लिए। तो ये कुछ पूजा पाठ की सामग्रियाँ थी और प्रसाद के रूप में चढ़ता है जो शिव मंदिर है सो नदी के किनारे महादेव स्थान, वहाँ चढ़ाएं और देवी माँ के पास सुने जी। सारे जितना मंदिर है तहाँ तहाँ गए हैं। हाँ, एक घंटा घूरते घूरते हमको लग गया, खा पिए बिना दो बजे आए। तो इसी में काफी विलम्ब हो गया और बारिश भी हो ही रही थी रुक रुक कर, कभी तेज कभी बंद। तो उस दौरान हम नहीं वीडियो ब्लॉग बना पाए
खैर कोई नहीं, बस भगवान का सच्चे आत्मा सच्चे हृदय से स्तुति करने की जरूरत है। अगर मन सच्चा तो वो कहते हैं ना कि मन सच्चा तो कठौती में गंगा, तो मन सच्चा है, भगवान ईश्वर सब देख रहे हैं, उन्हें कुछ प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत बना के दिए। हाँ, तो आपका मन सच्चा होना चाहिए और दिल में श्रद्धा पूरी तरह होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। पूजा करते हैं तो खाने खाई है, निकल गया सारा।